तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग YouTube सब फॉर सब तो करते ही होंगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि Facebook, Telegram पर तो यह लार्ज अमाउंट में किया ही जाता है। तो दोस्तों, इसके क्या क्या नुकसान हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले यह भी बता दूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि सब फॉर सब होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सब फॉर सब का मतलब होता है सब्सक्राइब के बदले सब्सक्राइब, जो कि लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करते हैं। चलो मान लेते हैं, इस प्रकार से आप सब फॉर सब करके तो अपना 1000 सब्सक्राइबर्स तो पूरा कर लेंगे, लेकिन क्या आप अपना 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा कर लेंगे? क्योंकि सब फॉर सब करके काफ़ी सारे लोग अपना 1K का सब्सक्राइबर्स वाला क्राइटेरिया तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें आपके वीडियोस में इंटरेस्ट है? तो दोस्तों, अगर आप भी सब फॉर सब करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप सब फॉर सब करके मोनेटाइजेशन के लिए 1K का सब्सक्राइबर तो पूरा कर लेंगे, लेकिन साथ ही आपको एक साल के अंदर 4000 आवर्स का पब्लिक वॉच टाइम भी पूरा करना होता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं तो फिर तो ठीक है, अगर उन्हें आपकी वीडियोस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपका चैनल डेड हो जाएगा, क्योंकि YouTube तो उन्हें इम्प्रेशन भेजेगा पर वे आपके वीडियोस देखेंगे ही नहीं। वैसे में आपके वीडियोस तो दबकर ही रह जाएंगे, फिर आपका चैनल डेड हो जाएगा। ऐसे में आप अगर सब फॉर सब करते भी हैं तो एक्टिव सब्सक्राइबर के साथ ही कीजिए, जो कि आप जिस कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं उसमें उन्हें इंटरेस्ट हो।